हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमने अभिप्रेरणा में जो है अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, उसका अर्थ पढ़ लिया था। अभिप्रेरणा का जो प्रोसेस है, जो मोटिवेशन सर्कल है वह हमने देखा, अभिप्रेरणा के प्रकार हमने देखे, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांत हमने ये पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है छोटा सा टॉपिक और है इसमें, उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो देखिए, अभिप्रेरणा से संबंधित नई विचारधारा का नाम जो है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा है। इसका प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था, ठीक है। डेविड सी मैक्सीलैंड और एटकिंसन जो है इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है। किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए, किसी भी प्रकार की सफलता के लिए काम करने की अभिप्रेरणा को ही हम क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। कोई भी कठिन काम है उसको करने के लिए निपुणता प्राप्त करने की आशा करना ही क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा में उपलब्धि द्वारा मान प्राप्त करने का व्यवहारिक प्रयत्न किया जाता है। जो हम सफलता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सफलता जो है यह जो है उपलब्धि का ही एक प्रकार कहा जाएगा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है, इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता क्या होती है कि ये ऐसी अभिप्रेरणा से युक्त लोगों का जो आकांक्षा स्तर होता है, इनका जो इच्छा का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। ऐसे लोग जो है सफलता प्राप्त करके अधिक प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों में आगे बढ़ने की कामना रहती है, हमेशा सफल होना चाहते हैं, ठीक है। सफलता की इच्छा रहती है हमेशा ही, और उससे संबंधित जो भी कार्य होता है उसमें बहुत अधिक दृढ़ता से जो है जुटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया, डेविड सी मैक्सीलैंड और एटकिंसन ने किया। कब किया था, 1961 में किया था, ठीक है। डेट जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रतिपादक कौन है, डेविड सी मैक्सीलैंड और एटकिंसन, ठीक है। इनकी जो है एक बुक भी रही है, द अचीविंग सोसाइटी। तो इनका जो है क्या मानना था उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में, इनका कहना था कि व्यक्ति के मूल विश्वास और दृष्टिकोण उसकी उपलब्धि को निश्चित करते हैं, ठीक है। इसीलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा स्तर में जो है अंतर होता है। हर व्यक्ति की जो है अभिप्रेरणा स्तर, जो उसकी उपलब्धि का, सफलता का जो होता है, उसमें अंतर पाया जाता है। तो देखिए, रिली और लेविस के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, किसी चीज को अपने से करने, खुद से करने, उसे अच्छे से, अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक कहा जाता है। अर्थात उपलब्धि की चाह में, यानी सफलता की चाह में प्राणी जो है क्रिया करने को प्रेरित होता है। तो यहाँ पर उस सफलता को, उस उपलब्धि की ओर ही व्यक्ति जो है कार्य करेगा, ताकि उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। और उसकी आवश्यकता क्या है कि उस कार्य में जो भी वो करना चाहता है उसमें सबसे अधिक जो है वो सफलता हासिल करे, जैसे कि नौकरी की चाह। तो विशेषताएं देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो कार्य करने को प्रेरित होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले बालक जो है साधारण कठिनाई वाले कार्य अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर सफलता निश्चित होती है। तो साधारण कठिनाई वाले काम क्या हो गए, यानी ना तो वो ज्यादा कठिन हो ना ही वो ज्यादा आसान हो, ऐसे काम करना वो ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अत्यधिक कठिन एवं अत्यधिक आसान कार्य को करना वे पसंद नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उन्हें असफल होने से जो है डर लगता है, कहीं वो असफल ना हो जाएं। तो असफलता से बचने का अभिप्रेरण या अनुमोदन खोने का डर जो है, इस वजह से वो ऐसे कार्य करना पसंद करते हैं जो कि ज्यादा कठिन भी ना हो और ज्यादा आसान भी ना हो। नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक यदि अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, यानी कि सफल नहीं हो जाते हैं, तो वे अपने प्रयास में थोड़ा तर्कसंगत परिवर्तन कर पुनः लक्ष्य तक पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। यदि वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और उनका लक्ष्य क्या होता है, उपलब्धि हासिल करना, ठीक है, इसी के लिए जो है वो कार्य करते हैं, आगे की ओर प्रेरित होते हैं। और हो सकता है कि उन्होंने जो कोशिश की है तो वो जो है, यानी उनको जो है गलत गाइड कर दिया गया हो, उनको गलत पुस्तकें ही बता दी गई हो, जिस वजह से जो है वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन असफल होने का कारण वो दूसरों पर नहीं डालते हैं, बल्कि खुद पर ही डालते हैं,
और दोबारा से कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक जो है असफल होने पर अपने आप को उसके लिए दोषी ठहराते हैं, दूसरे को नहीं ठहराते हैं कि गलत जो है बताने की वजह से ये हुआ, बल्कि उस चीज को वो भुला कर सफलता के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छे जो है वो प्रयास करते हैं, अपने प्रयासों में कुछ सुधार लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उपलब्धि हासिल कर सकें, सफलता हासिल कर सकें। उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक उन क्षेत्रों में अधिक काम करना चाहते हैं जिनका परिणाम पर उनका काफी नियंत्रण होता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही काम करना चाहते हैं जो भी रिजल्ट आए तो उसका जो है कंट्रोल उनके हाथ में हो, ऐसा ना हो कि वो जो है वो परेशान होकर वापस बैठ जाएं, अब जो है सफलता हासिल नहीं हो सकती है तो मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक जो है वो उपलब्धि ही सफलता ही हासिल करना चाहता है। तो जो परिणाम है उस पर उसका काफी कंट्रोल होता है, चाहे परिणाम जो है वो प्लस में आए चाहे वो परिणाम माइनस में आए, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा टॉपिक था आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा का, याद रखना है प्रतिपादक कौन है, डेविड सी मैकलीलैंड व एटकिंसन, ठीक है। तो उपलब्धि की चाह में प्राणी जो है जो भी कार्य करने को आगे प्रेरित होता है उसी को क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो चलिए आप लोग जो है अभिप्रेरणा के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं इनको जो है बिल्कुल सही मानना है, आपको भरोसा करना है और बार बार इनको रिवाइज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।